जो हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी रिपोर्ट सौंप दी रेल मिनिस्ट्री को। 3 लाख स्टूडेंट अपनी बात को रखे हैं अलग अलग माध्यम से। कब तक रेल मिनिस्ट्री ये जारी कर देती है कि कौन कौन सा मांग माना गया और कौन कौन सा मांग को रिजेक्ट किया गया, तो सबसे ज़्यादा डाउट है कि एग्जाम कैलेंडर रेलवे मानेगी कि नहीं मानेगी, इसको लेकर सबसे ज़्यादा हमको डाउट है। तो जब भी इसका रिजल्ट आएगा कि कौन सा मांग माना गया कौन सा मांग नहीं माना गया, तो उसके बाद फिर NTPC CBT 1 का रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा। लेवल बाय लेवल रिजल्ट देती है तो मे भी कि 10 लाख से ऊपर रिजल्ट उसको देना पड़े, ये तो वक्त ही बताएगा कि इसमें क्या हो पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR, मैं हूँ आपके साथ रूपम सिंह। NTPC के रिजल्ट आने के बाद जो आंदोलन हुए उसके बाद उसे शांत करवाने के लिए फिर से समीक्षाएं बैठक होने लगी और उसके बाद 4 तारीख का डेट दिया गया। उस दिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली थी। इस दिन का इंतज़ार सभी NTPC के अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, उनकी निगाहें टिकी हुई थी 4 मार्च को। क्या है इसमें अपडेट, क्या कुछ आया जो रिपोर्ट सौंपी गई उस रिपोर्ट में, आज हम वही जानने के लिए नवीन सर के पास आए हैं। सर, आपका न्यूज़ PR में स्वागत है। धन्यवाद। जो हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी वो अपना रिपोर्ट सौंपती रेल मिनिस्ट्री को। एक्चुअली मैं 4 तारीख के एक दिन पहले ही रिपोर्ट अपनी सौंप दी और आज रेल मिनिस्टर भी इस बात को अपने ट्विटर चैनल पर इसको अपडेट किए हैं कि लगभग 3 लाख स्टूडेंट अपनी बात को रखे हैं अलग अलग माध्यम से, ग्रीवांसेस अपनी रखे हैं। तो जो 3 लाख बच्चे अपनी ग्रीवांसेस रखे हैं, अभी जो रिपोर्ट सौंपी है, अब कितने दिन के बाद इसको क्लियर करती है, उस रिपोर्ट के आधार पर कौन कौन सा मांग को माना गया और किसको रिजेक्ट किया गया, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी फाइनली। और इसमें ये है कि अब ये महत्वपूर्ण है कि कब तक रेल मिनिस्ट्री ये जारी कर देती है कि कौन कौन सा मांग माना गया और कौन कौन सा मांग को रिजेक्ट किया गया है। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, आगे इसको प्रोसीड किया जाना चाहिए। और चूंकि हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट भी 10-11 तारीख को आना है, तो उसके बाद ही हमको लगता है कि कुछ ना कुछ इस पर अपडेट रेल मिनिस्ट्री देगी, या हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे तक भी दे सकती है। तो अभी एग्जैक्ट इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें यह है कि कौन कौन सी मांग मान सकती है कौन कौन सी मांग नहीं मान सकती है, इसमें आप अनुमान ही लगा सकते हैं अपने मन से, इसमें क्या बातें आप बोल सकते हैं। लेकिन ये तो तय है कि जो 2 प्रमुख मांगें थी कि 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट आना चाहिए था, तो ये बात तो उसी समय क्लियर कर दिया गया। दूसरा कि ग्रुप डी में CBT 2 नहीं होगा, तो इसको भी लगभग उसी समय फाइनल कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे मांगे थी जिनको बच्चों ने प्रमुखता से रखा है, इसमें एग्जाम कैलेंडर का एक प्रमुख मांग, तो इसको लेकर के हमको सस्पिशन है कि अगर इस मांग को मानती है तो समझिए कि सारे बच्चे बहुत खुश होंगे। लेकिन यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा डाउट है कि एग्ज़ाम कैलेंडर रेलवे मानेगी कि नहीं मानेगी, इसको लेकर सबसे ज़्यादा हमको डाउट है। दूसरी बातें इसमें यह है कि मेडिकल स्टैंडर्ड को जो अपग्रेड किया गया, कुल मिलाकर के जितने भी पोस्ट ग्रुप डी में थे तो उसमें 7 पोस्ट में बदलाव किया गया, 6 पोस्ट का अपग्रेड किया गया, 1 पोस्ट का डाउनग्रेड किया गया। तो चूंकि 2018 की जो वैकेंसी आई थी और 2019 का फरवरी मार्च में जिस समय वैकेंसी आई थी, उस समय नोटिफिकेशन में जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड था, तो सब बच्चों का डिमांड था कि उसी को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही बच्चों का जायज़ मांग था। क्योंकि उस समय जो मेडिकल स्टैंडर्ड को तय किया गया था उसी के आधार पर बच्चे फॉर्म भरे हैं, अगर उसमें अभी अपग्रेड कर दिया गया तो जो बच्चे उस मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पोस्ट को चॉइस किए थे तो वो तो ऐसे ही दौड़ से बाहर हो जाएंगे, ये बात तय है। तो इसलिए इसको गंभीरतापूर्वक बोर्ड लेगी, उस समय भी आश्वासन दिए थे, ये आने वाला समय में पता चलेगा। इसके बाद दूसरा था कि जो एक EWS का बहुत मेजर इशू था कि उस समय मुश्किल से 10% बच्चे ही EWS का सर्टिफिकेट बनवा चुके थे, तो बाकी 90% बच्चे EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे। कारण ये था कि उस समय जस्ट इम्प्लीमेंट ही ये चीज़ हुआ था, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी था। तो इसमें भी आश्वासन मिला था कि करेंट EWS सर्टिफिकेट को माना जाएगा, ये भी आगे देखना है कि इस मांग का क्या हुआ है। इसके बाद एक इशू था कि 1:1 रेशियो में जो ग्रुप डी का रिजल्ट देने वाली बात थी कि वेटिंग को समाप्त करने वाली बात, उसको भी लेकर के एक इशू था, अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। इसके बाद एक इशू था लैंग्वेज को लेकर के कि जो बच्चे
बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लिए थे, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को लग रहा था कि हिंदी तो हमारा है ही, अगर इंग्लिश को चूज करते हैं तो एक्स्ट्रा एक लैंग्वेज हमारा ऐड हो जाएगा। हालांकि ये सॉफ्टवेयर का इशू है, तो लेकिन 50,000 प्लस बच्चों को इसमें दिक्कत हुआ है, क्योंकि उसको हिंदी को हटा कर कम्प्लीट उसको इंग्लिश को थोप दिया गया। तो अगर इसके सॉफ्टवेयर में बदलाव कंपनीज करवाती है तो बच्चों को इस मामले में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। ये तो आपने इशू बता दिए जो मांगे थी, तो क्या लग रहा है कि कौन सी मांगे हैं जो एनटीपीसी के द्वारा मानी जाएगी जिससे उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो? दो इशू जो हम बताए हैं अभी वो तो माना ही जाएगा, ज़्यादातर संभावना है। इसके अलावा EWS वाला भी मेरे ख्याल से माना ही जाएगा, लेकिन बाकी को लेकर के खुद हमको कन्फ्यूजन है, किस बात को मानती है नहीं मानती है, इस पर मेरे ख्याल से टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। क्या लगता है सर कि रिजल्ट अभी कितने दिनों और लगेंगे उसे पूर्ण रूप से आने में? पहले तो ये तय होगा कि ये रिपोर्ट सौंपी है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो जब भी इसका रिजल्ट आएगा कि कौन सा मांग माना गया कौन सा मांग नहीं माना गया, तो उसके बाद फिर NTPC CBT1 का रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा। तो उसमें भी अब गौर करने वाली ये बात होगी कि रिवाइज रिजल्ट जो दिया जाएगा किस आधार पर दिया जाएगा, क्या उसको ओवरऑल रिजल्ट दिया जाएगा या लेवल बाय लेवल रिजल्ट दिया जाएगा। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि लेवल बाय लेवल ही रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं करती है तो जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है तो स्वाभाविक है उनका परेशानी बढ़ जाएगा और वो बच्चे नहीं चाहेंगे, फिर वो भी कोर्ट में जाने की बातें कहेंगे। तो इसलिए बोर्ड इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कोई बीच का रास्ता मेरे ख्याल से निकालने का प्रयास करेगी और कोशिश करेगी कि 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का हम रिजल्ट किस तरीके से बनाएं कि मैक्सिमम बच्चों को संतुष्टि होगा। लेकिन हमारा मानना है कि अगर लेवल बाय लेवल रिजल्ट देती है तो मे भी कि 10,00,000 से ऊपर रिजल्ट उसको देना पड़े, ये तो वक्त ही बताएगा कि इसमें क्या हो पाता है। क्या रिजल्ट की बातें, अब आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें बच्चे किस तरह से अपने आप को तैयार करें? बच्चे खुद बहुत होशियार हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे डिजर्व करते हैं वो पूरी तरीके से सीरियस हैं। लेकिन फिर भी आप पूछे हैं तो उसके बारे में टिप्पणी करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो जिन बच्चों का ऑलरेडी रिजल्ट हो चुका है वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो कि अगर कुछ बच्चों का अलग से एंट्री होगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी। उनको मेरे ख्याल से 99% दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतने हाई लेवल कट ऑफ में जब आप अभी रिजल्ट दिए हैं तो ये इस बात का सूचक है कि कितना तैयारी आप बेहतर तरीके से किए हैं, कितना आप मेहनत किए हैं। इसलिए आप ये मान करके चलिए कि अंतिम तक आपकी संभावनाएं बनी रहेगी, बशर्ते जो अभी आप अब तक मेहनत किए हैं उस मेहनत को और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और कंटिन्यूटी अपना मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो नए बच्चे जिनका रिजल्ट होना है या ग्रुप डी जिनका आगे एग्जाम है, दोनों बच्चों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना है, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि एक सेट हम जरूर बनाएँ डेली, और जो सेट हम बनाएँ उसका अच्छे तरीके से सॉल्यूशन हम जरूर करें। जो भी क्वेश्चन हमसे गलत होता है या जिस क्वेश्चन में हमको परेशानी होती है तो उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, जिससे कि अगले सेट में जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो वहाँ हमारा क्वेश्चन प्लस होना चाहिए, ना कि दोबारा से गलती हो। तो इन छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे। इसके अलावा अभी भी जो आप पहले से पढ़े हुए हैं उसका अच्छे से रिवीजन करते चले जाएं। सेट बनाने के दौरान जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो उसका एक नोट्स बनाते चले जाएं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम का डेट आ जाए तो वो बनाए हुए नोट्स को आप लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवीजन भी करते रहें। क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बच्चों का टाइम अधिक से अधिक वेस्ट करता है। बड़ा क्वेश्चन है, एक बार में आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये रेगुलर प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चों का ये चीज़ क्लियर हो जाएगा और लगातार उनको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम रहता है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहती है और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना होता है। तो इसलिए पहले राउंड में जो क्वेश्चन हम जान रहे हैं लास्ट तक हम बढ़ते चले जाएं, दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पड़ा है तो उस पर हम गौर करने का प्रयास करेंगे, और जिस ऑप्शन में 50-50 हो वहीं आप अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेंगे, और जिसका एक भी ऑप्शन हम चारों में से नहीं जान रहे हैं क्योंकि 1/3 निगेटिव है वो आपके मार्क्स को नीचे लेकर के चला आएगा, तो इन बातों को गंभीरतापूर्वक बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए बच्चों को। उसमें ये देखना यह होगा कि कौन सी मांगे को मानी गई है और कौन सी मांगे को नहीं मानी गई है। चलिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ।